और बीजेपी का मिशन राजस्थान, आज से परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण, हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से शुरू होगी यात्रा। नितिन गडकरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पूनिया शिरकत करेंगे। गोगा जी महाराज के दर्शन के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गोगामेड़ी, नोहर, रावतसर और हनुमानगढ़ में आम सभाएं होंगी। 50 विधानसभा क्षेत्र में 18 दिनों में 2110 किलोमीटर सफर पूरा करेगी ये यात्रा। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 3 रामदेवरा से जैसलमेर पहुंच गई। जैसलमेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का मिशन राजस्थान, आज से परिवर्तन यात्रा का चौथा चरण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुंकार भरेंगे। नितिन गडकरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से ये यात्रा शुरू होगी। 18 दिनों तक 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। राजू रामगढ़िया हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़ गए। राजू, क्या अपडेट परिवर्तन यात्रा को लेकर और क्या शेड्यूल बना है इसका? जी बिल्कुल, जो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर अभी पूरी तैयारियां चल रही हैं। और जो गोगामेड़ी के अंदर कार्यक्रम है, यहाँ पर जिले भर से कार्यकर्ता, यहाँ तक की पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर से भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जो इनका समय दिया गया था जैसे 10 बजे का, तो अनुमान है कि करीब 11 बजे के करीब ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। और इसमें जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सतीश पूनिया आदि नेता शिरकत करेंगे। और कार्यक्रम ये है कि पहले ये गोगा जी का जो मंदिर है वहां पर माथा टेकेंगे, जो भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, उसके बाद ये यात्रा की रवानगी होगी। और इसके बाद में गोगामेड़ी के बाद नोहर और रावतसर और उसके बाद हनुमानगढ़ में भी जो है ये आज सभाएं होंगी। और कल भी यात्रा हनुमानगढ़ जिले में ही रहेगी। कल हनुमानगढ़ से यात्रा संगरिया विधानसभा में प्रवेश करेगी, जहाँ कई जगह इनका स्वागत होगा, संगरिया में सभा होगी। और इसके बाद कल यात्रा श्रीगंगानगर जिले में प्रवेश कर जाएगी। और आपको ये बता दूं कि यात्रा जो है 18 दिनों में राजस्थान की 50 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी, जिसमें यात्रा 2110 किलोमीटर चलेगी। और चूंकि हनुमानगढ़ जिला पंजाब के सीमा पर है और पीछे किसान आंदोलन हुआ था, ऐसे में भाजपा का एक तो मकसद ये है कि जो भी किसान आंदोलन हुआ था, किसानों तक अपनी बात पहुंचाना या जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं या उनको साधना। और इसी तरह से जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 2 पर अभी भाजपा के विधायक हैं, 2 पर कांग्रेस और 1 पर माकपा के विधायक हैं। और चूंकि यात्रा गोगामेड़ी से शुरू हो रही है, गोगामेड़ी एक बड़ा धार्मिक स्थल है, उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला गोगामेड़ी में इस समय चल भी रहा है। और गोगामेड़ी भादरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां अभी माकपा के विधायक है बलवान पूनिया। ऐसे में शुरुआत वहां से करके भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि जो 2 विधानसभा सीटें हमारे पास जिले में हैं, उस पर हम कायम रहेंगे, आगे फिर जीतेंगे। और 3 जो सीटें हैं जो पिछली बार ये हारे थे, वहां पर भी जीतकर 500 विधानसभा सीटें जिले की इसमें जीत हासिल करेंगे। और इसी तरह से 50 विधानसभा जो क्षेत्र है वहां भी भाजपा की ये कवायद है, ऐसा संदेश भाजपा इस यात्रा के माध्यम से देना चाहती है। जी राजू, इन 18 दिनों के अंदर बड़ी सभाएं कहां कहां होंगी? जी बिल्कुल, जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उन्होंने जो अभी जानकारी दी है, उसमें हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी में सभा होगी और इसके बाद में नोहर, रावतसर, हनुमानगढ़ और संगरिया, इस तरह से जो है 500 विधानसभा क्षेत्रों को हनुमानगढ़ जिले में 5 सभाओं के माध्यम से भाजपा इस यात्रा के माध्यम से कवर करेगी। और इसके बाद चूंकि आगे 50 विधानसभा क्षेत्र है और कल श्रीगंगानगर जिले में यात्रा प्रवेश करेगी, तो आगे की जो भी सभाएं होंगी वो वहां के जो भी जिला पदाधिकारी हैं, जैसे कल गंगानगर के हैं, वो जारी करेंगे। इसके बाद आगे से आगे जिला स्तर पर जो जिले स्तर के अधिकारी पदाधिकारी हैं वो ये तय कर रहे हैं कि कहां कहां क्या रोड मैप यात्रा का बनेगा। फिलहाल हनुमानगढ़ जिले की 500 विधानसभा सीटें जो है इस यात्रा से आज शुरुआत होकर और कल शाम तक ये यात्रा 500 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर लेगी, 500 जगह सभाएं होंगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि 500 जगह सभाओं के अलावा बहुत जगह यात्रा के स्वागत के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से जहां भाजपा अपना संदेश पहुंचाना चाहती है या आम जन तक पहुंचना चाहती है, आम मतदाता तक पहुंचना चाहती है, वहीं जो प्रत्याशी हैं पार्टी के वो भी अपना संदेश कर रहे हैं। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।